नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। बढ़वाहा, आखिर क्यों ना मिले भ्रष्टाचार को बढ़ावा। यह इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार जांच में लेटफीती करते नजर आते हैं और बार बार शिकायतकर्ताओं को कार्यालय के चक्कर लगाना मजबूरी बन रहा है। आखिर में शिकायतकर्ता हताश हो जाता है और फिर जांच गुमनाम व शिकायती आवेदन विभागीय कागजों में दब जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों के हौसले फिर बुलंद हो जाते हैं और शासन के राशि को पलीता लगाने में संबंधित लग जाते हैं। दरअसल खरगोन जिले के बढ़वाहा जनपद कार्यालय से जुड़ी ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच में जिम्मेदार कार्यवाही करने में गुरेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुरला में बिना बच्चों के संचालित स्कूल के नाम पर उस स्कूल परिसर में करीब 12 लाख से अधिक रुपए की बाउंड्री वॉल निर्माण कर दिया। वही हमीरपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमलाथा मार्ग पर मनरेगा के तहत मिली मजदूरी से अतिरिक्त सड़क निर्माण कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारों ने जिले से स्वीकृति लेना भी उचित नहीं समझा। हालांकि इस काम को अंजाम देने में सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, इंजीनियर सहित अन्य सत्ताधारी व्यक्ति शामिल है, जिन्होंने मिलकर लाखों रुपए का निर्माण कर दिया। जबकि रतनपुर पंचायत स्थित हाई स्कूल में वर्क ऑर्डर के अनुसार 8 इंच की बाउंड्री को मात्र 4 इंच में बनाकर लोहे के सरिये में भी हेराफेरी कर दी है। ऐसी नियमितता वाले कार्यों की लिखित शिकायत की जा चुकी है, जो SDM अनुकूल जैन और जनपद CEO ओम प्रकाश शर्मा के संज्ञान में है। वही जनपद CEO ओम प्रकाश शर्मा ने इस मामले की जाँच हेतु 2 जांचकर्ता भी नियुक्त किए हैं, लेकिन उनके द्वारा शिकायत के 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक जिम्मेदार कार्यों में व्यस्तता बताकर जांच करने की बात कर रहे हैं। जांच में लेटफीती के कारण जिम्मेदारों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मैंने APO से और AE से जांच करवाई है, लगभग जांच पूरी हो चुकी है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जो आवश्यक होगा उस पर वो रिपोर्ट आने पर बता पाऊंगा। रिपोर्ट आ जाएगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आवश्यक अगर पाया गया गलती। देरी क्यों हो रही? नहीं, बीच में चुनाव का काम था, उसके बाद स्वाभाविक तौर से दूसरे काम भी बहुत सारे होते हैं। कितने जन जांच करना सर? अधिकारी APO हैं, AE हैं। सर कौन कौन है? PCO हैं, PCO, AE, APO। शिकायतें थी वो विभिन्न ग्राम पंचायतों के संबंध में थी और CEO जनपद से संबंध में बात की गई। उनके द्वारा चर्चानुसार यह बताया गया कि निर्वाचन की चूँकि व्यस्तता थी और अब निर्वाचन की व्यस्तता नहीं है और वो 1-2 दिन में इसकी जो है रिपोर्ट मुझ तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो भी उसमें जांच में निकलेगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। उसका प्रस्ताव भी जो है वो आदरणीय CEO जिला पंचायत साहब को प्रेषित किया जाएगा। हाँ, मेरा संज्ञान में है पूरा विषय और चूंकि निर्माण से संबंधित शिकायत है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और निर्वाचन की व्यस्तताएं भी थी। इन्हें 2 दिन का समय दिया गया CEO जनपद को कि वो तत्काल जो है इसकी जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करे। खरगोन से साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।